क्या बात है नेहा, आज तो अपने फॉर्म में नहीं लग रही है यार। मुझे तो लगता है कि इन पीरियड्स के दिनों में मुझे कोई इंडोर गेम ही खेलना चाहिए। लेकिन नेहा, पीरियड्स तो मेरे भी चल रहे हैं। क्या? लेकिन दिव्या, तू तो इतनी फ्रेश और एक्टिव लग रही है कि तुझे देखकर तो ये पता भी नहीं चलता कि तेरे भी पीरियड्स चल रहे हैं। हाँ, ये सब इट्स स्वदेशी के एनियन सैनिटरी नैपकिन की वजह से है। तुझे भी अपना गेम नहीं सैनिटरी पैड बदलने की जरूरत है। पहले मैं भी तेरी तरह परेशान रहती थी, लेकिन जब से मैंने स्वदेशी के एनियन सैनिटरी नैपकिन को अपनाया है ना, मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई है। स्वरक्षा के पूरे 8 कवच है इसमें। फर्स्ट लेयर में ज्यादा सोपने के लिए सिल्क और स्मूथ सरफेस, सेकंड में दोनों तरफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, थर्ड लेयर में फार इंफ्रारेड जो हमारे बॉडी सेल्स को रिचार्ज करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और अनियन जो सारे बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ ऑडर रिमूविंग का काम भी करता है। वही फोर्थ और सिक्स्थ लेयर में डस्ट फ्री पेपर, और फिफ्थ लेयर में 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली लिक्विड सोखने वाली मटीरियल, सेवेंथ लेयर में ड्राई और वेंटिलेटेड मटीरियल, और एट्थ लेयर पर फूड ग्रेड प्लास्टिक कवर है। क्या सचमुच इतना सब कुछ है इसमें? हाँ। अच्छा एक बात बता, क्या तेरे पास वो नैपकिन है जो तू यूज करती है? हाँ। वेरी गुड, चल अंदर चल, मैं तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। ये है तुम्हारा नैपकिन, इसे खोलते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसकी वजह से हम इसे दोबारा सील भी नहीं कर सकते। ये देख, ये एक ही तरफ से सील हो सकता है और इसके दोनों साइड्स में जगह है, जिसकी वजह से इसमें एयर जाती है और उसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया और मॉइस्चर पहुंचता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और ये रिसाइकेबल मटेरियल से भी नहीं बना है। अब देख स्वदेशी के एनियन सैनिटरी नैपकिन को, इसकी पैकिंग बहुत ही इंप्रेसिव है और उसके साथ साथ ये चारों तरफ से सील्ड भी है, उसकी वजह से इसमें हवा के साथ साथ मॉइस्चर और बैक्टीरिया अंदर जा ही नहीं पाते और ये पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसको एक बार खोलने के बाद वापस सील भी किया जा सकता है। और तो और ये रिसाइकेबल मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से ये हमारे पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन दिव्या, मैंने इन बातों पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ नेहा, पीरियड्स के दिनों में किसी भी सैनिटरी नैपकिन को एक बार में लगभग 50 मिलीलीटर लिक्विड सोखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सैनिटरी नैपकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें लिक्विड सोखने के बाद भी एयर फ्लो बना रहे और लीक ना करे, नहीं तो पब्लिक एम्बैरेसमेंट होने का डर लगा रहता है। और उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। हाँ, इन्फेक्शन तो मुझे भी कई बार हुआ है। वही तो नेहा, हम लोग इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते और तकलीफ सहते रहते हैं। दिव्या, क्या तू मुझे दिखा सकती है कि कैसे एनियन सैनिटरी नैपकिन इस पॉपुलर ब्रांड से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है? हाँ, मैं तुझे दिखाती हूँ कि एनियन सैनिटरी नैपकिन किसी भी ब्रांड से ज्यादा बेहतर कैसे है। अब मैं इस तेरे वाले नैपकिन पे 50 मिलीलीटर ब्लू लिक्विड डालूंगी। ये देख, ये लिक्विड बुरी तरह से पैड पर बिखर चुका है और लिक्विड ये पैड अब्सॉर्ब भी नहीं कर रहा है, और ये देखो साइड से लीक होना भी शुरू हो गया है। अब मैं एनियन सैनिटरी नैपकिन के ऊपर 50 मिलीलीटर ब्लू लिक्विड डालती हूँ।
ये देख, ऑनियन सैनिटरी नैपकिन ने लिक्विड कितनी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब किया है और ये कहीं से भी लीक नहीं हो रहा है। हाँ दिव्या, ये तो वाकई बिल्कुल नहीं लीक कर रहा है। हाँ, अब हम इसके ऊपर एक पेपर नैपकिन रख के देखते हैं। ये देखो किस तरह से सैनिटरी नैपकिन से पूरा लिक्विड इस पेपर नैपकिन के ऊपर आ रहा है। और अब हम एनियन के ऊपर एक टिश्यू पेपर रख के देखते हैं। ये देखो नेहा, ये है एनियन सैनिटरी नैपकिन का जादू। प्रेस करने के बाद भी टिश्यू पेपर सूखा है। हाँ, ये तो पूरी तरह से सूखा है। हाँ, अब मैं तुम्हें इसकी लेयर्स निकाल के दिखाती हूँ। ये देख नेहा, तेरे वाले नैपकिन को ब्रेक करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये प्लास्टिक से बना है। वाकई ये तो प्लास्टिक से बना है। हाँ, अब हम एनियन सैनिटरी नैपकिन की लेयर निकाल के देखते हैं। ये देख नेहा, ये कितनी आसानी से ब्रेक होता है क्योंकि ये कॉटन से बना हुआ है। चल, अब मैं तुझे जेली अब्सॉर्बिंग टेस्ट दिखाती हूँ। ये देख नेहा, ये है नेगेटिव आयन चिप। इसके बेनिफिट्स मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। चल, अब मैं तुझे जेली अब्सॉर्बिंग टेस्ट करके दिखाती हूँ। इसमें हम ये वाला जेली डालेंगे और इसमें हम एनियन सैनिटरी नैपकिन का डालेंगे। ये देख, इसने पूरा लिक्विड अब्सॉर्ब कर लिया है जबकि इसका लिक्विड ऐसे का ऐसा ही है। हाँ, ये तो मिरेकल हो गया। हाँ, इतना ही नहीं, इसकी लास्ट लेयर में है ब्रीदिंग कैपेसिटी, जो एयर तो पास करती है पर लिक्विड नहीं। वो कैसे? मैं बताती हूँ। ये है गर्म पानी। इसपे हम नॉर्मल पैड का लास्ट लेयर लगाते हैं। और इसपे हम एनियन सैनिटरी पैड का लास्ट लेयर लगाते हैं। ये देखने हाँ, इसमें वेपर्स आ गए हैं लेकिन इसमें वेपर्स नहीं आए हैं। सीरियसली दिव्या, एनियन सैनिटरी नैपकिन तो ब्रीदेबल मटेरियल से बना है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। ये है नेगेटिव आयन चिप। ये 5800 नेगेटिव आयन्स डिस्चार्ज करती है, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट के। बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव आयन चिप: prevent vagina inflammation, reduces irritability, depression and tenseness, antibacteria, improves metabolism, strengthens the body immune systems, improves blood circulation, removes odor. Negative ions will move up the worm through the vagina, thus the blood clot store in the vagina will be discharged more smoothly. The worm can be repaired and improvements can be expected in 3-5 days.
Then, inflammation disappears and no smell is left. Negative ion sanitary napkins can effectively restrict the growth and survival of the bacteria and viruses. अब मैं तुझे इसका भी एक life test करके दिखाती हूँ. चल ले, अब तू अपने दोनों हाथ straight कर. अब तू अपनी पूरी strength इन हाथों में डाल. ठीक है? अब मैं इस पे pressure डालूँगी और तू उसको resist करना. चल नहीं, अब तू अपने हाथ वापस से स्ट्रेट कर. अब मैं इस पे नेगेटिव आयन चिप लगाती हूँ. इसे लगाने से पहले मैं पानी में डाल के एक्टिवेट करती हूँ. अब हम लोग वापस से वही करेंगे, ठीक है? और इस बार मैं एक उंगली की बजाय पूरे हाथ से प्रेशर डालूंगी, ठीक है? देखा? वाओ! तो अब पता चला, इसलिए तो इन दिनों में भी इतनी स्मार्ट और इतनी फ्रेश रहती है। हाँ, और अगर तू भी स्वदेशी का एनियन सैनिटरी नैपकिन अपनाएगी ना, तो इसी के गुण गाएगी। स्वदेशी का लेडी अनियन अपनाओ, बेफिक्र हो जाओ।